News 18, India. और चलिए बात बिहार की राजनीति की करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर एक के बाद एक जारी है। इन सब के बीच आज बिहार में दो अहम बैठक होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। विधानसभा की सीटों के आधार पर आज दो बड़ी पार्टी आरजेडी और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। अब दोपहर 1 बजे आरजेडी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आवाज पर विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें सभी एमएलए एमएलसी को बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आज शाम 4 बजे पटना में प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बेहद अहम बैठक बुलाई है। और इन्हीं दो बैठकों पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि इसके बाद ही तय होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। और बिहार में आखिर क्या होने वाला है ये जानने के लिए आज की 5 बड़ी पिक्चर देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस 5 पिक्चर देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है। आज एक तरफ आप देखिए आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। यानी कि बिहार में बदलते सियासी हालात को देखते हुए आरजेडी सतर्क हो गई है और विपरीत हालात से निपटने की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले अवसर की तैयारी में है। तीसरी तस्वीर भी जरा देखिए, लालू यादव ने कल 5 बार नीतीश कुमार को फोन किया लेकिन नीतीश कुमार ने उनका फोन ही नहीं उठाया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर अब ये है कि नीतीश को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। अब क्या नीतीश कुमार सोनिया गांधी का फोन उठाएंगे या लालू की तरह उन्हें भी नजरअंदाज कर देंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश को मनाने से पहले ही सोनिया गांधी को अपने विधायकों को मनाने की नौबत आ गई है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी खबर आ रही है ये इस वक्त बिहार की एक बड़ी सियासी खबर है। बिहार कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी और जेडीयू में जा सकते हैं। अब फिलहाल बिहार की राजनीति में आगे क्या विकल्प दिखाई देते हैं इसको भी अब जरा आपको समझा देते हैं। इसमें जो प्रमुख विकल्प हैं उनमें सबसे बड़ा और पहला विकल्प ये कि अब की बार बिहार में एनडीए सरकार। अब दूसरा विकल्प क्या है ये भी जरा देखिए, आरजेडी गठबंधन की सरकार यहाँ पर बन सकती है, ये दूसरा विकल्प माना जा रहा है। लेकिन तीसरा विकल्प ये कि विधानसभा भंग कर दी जाए और ऐसे में फिर नया सियासी गणित बनाया जाए। लेकिन इन 3 विकल्पों में अब आज की बैठकों में तय होगा कि बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती दिखाई दे रही है। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, बिहार की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है लेकिन जो ताजी और बड़ी खबर आ रही है बिहार से ये कि क्या कांग्रेस भी अब टूट की कगार पर है? देखिए प्रशांत, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके सारे 19 के 19 विधायक इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं और कल पूर्णिया में 2 बजे उनके विधायक दल की बैठक बुलाएगी क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 तारीख को यहां प्रवेश भी करने वाली है बिहार में, तो उसकी बाबत तैयारियों के लिए बुलाई गई और एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो टूट रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो कुछ विधायक कांग्रेस के जेडीयू के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है, वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जीतन राम मांझी उनके संपर्क में है, यानी 4 विधायक वो भी तोड़ सकते हैं और जीतन राम मांझी को अपने पाले में ला सकते हैं। आरजेडी दावा कर रहा है कि जेडीयू के विधायक 7 विधायक उनके संपर्क में है और वो उनको तोड़ सकती है। तो इस तरह जब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, इस तरह का जब अस्थिर माहौल होता है तो आरोप लगते हैं। सच्चाई कितनी है, कौन किसके कितने संपर्क में है, ये बड़ी बात है और ये तभी तय होता है जब सदन के अंदर बहुमत परीक्षण होता है। क्या उसकी नौबत आएगी, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो संभवतः इन सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप में पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार चल सकती है, बस नीतीश को फैसला लेना है। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये तो बात बाकी जो दल है उनकी हो रही है, अब खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि कहीं नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ वापसी कर रहे हैं तो एनडीए में ही तो कहीं फूट नहीं पड़ जाएगी या वहां पर भी क्या छिटकने की कोई संभावना हो सकती है क्योंकि चिराग पासवान का रुख अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कौन टूटेगा और कौन जुटेगा, ये इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के एक भी विधायक
विधानसभा में नहीं है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चिराग पासवान भले ही ये कह रहे हो कि हम एनडीए में रहेंगे, एनडीए से बाहर जाएंगे, लेकिन उनका कोई विधायक नहीं है, इसलिए बहुत मायने नहीं रखता है। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम किरदार जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जिनके चार विधायक हैं, उनको कल आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया था, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया था कि वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दें और अपनी पार्टी को लेकर हमारे साथ सरकार में आ जाएं। बावजूद इसके आरजेडी को कम से कम चार विधायकों की कमी रही, तो वो भार पाया कहाँ से होगा, ये अब तक साफ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का परिवार आने का जरूर प्रयास कर रहा है, और इसको लेकर कल दोपहर के बाद से ही लालू यादव ने खुद कमान संभाल रखा है और लगातार विधायकों के संपर्क में है, कांग्रेस के विधायकों को फोन कर रहे हैं। तो वहीं जो इनके पार्टी के बाहर के लोग हैं, जो ये नीतीश कुमार के साथ अभी मौजूद हैं और जेडीयू के जो विधायक हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों पार्टियां जो अभी मौजूदा आज तक जो गठबंधन में है, सरकार में नीतीश कुमार रहना चाहते हैं, तो वहीं लालू यादव के हाथ से सरकार ना निकल जाए, इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। अरुण चंद्रमोहन, बने रहे हैं आप हमारे साथ। लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। और ये एक अहम बात भी, हालांकि सुशील मोदी ने अपने बयान में कह दिया कि क्योंकि वो राज्यसभा में है, उनके उप मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये तमाम अटकलें हैं और अभी नए फैसले लेने से पहले के सियासी बयानात हैं, लेकिन तस्वीर क्या सामने आएगी। इस बीच ये बड़ी खबर है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और तब क्या ये तस्वीर सामने आएगी कि अब की बार एनडीए सरकार और बिहार में क्या ये एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अब सियासी हलचल इसी ओर इशारा करती दिखाई दे रही। अब सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच किस फॉर्मूले पर सहमति बनती है, ये बताने से दोनों दलों के नेता परहेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में तीन फॉर्मूले ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें से किसी एक पर सहमति तो जरूर बन सकती है, और वो फॉर्मूले क्या है ये भी आप देखिए। फॉर्मूला नंबर वन आप पहले देखिए, नीतीश कुमार सीएम बन जाए, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हो और चार विधायक पर एक मंत्री पद मिल जाए। और वहीं फॉर्मूला नंबर दो ये हो सकता है कि सीएम पद बीजेपी के पास रहे और नीतीश को केंद्र में अहम मंत्रालय दे दिया जाए और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीट दी जाए, बीजेपी की यह इच्छा हो सकती है, और यह नंबर दो का फॉर्मूला हो सकता है। और फॉर्मूला नंबर तीन ये है कि सीएम पद जेडीयू के पास रह जाए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीट मिल जाए, विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीट मिल जाए, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार इस सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, अरुण भी हमारे साथ हैं और चंद्रमोहन भी। लेकिन चंद्रमोहन, जो सबसे खास बात यह है, कांग्रेस के विधायकों का कोई रुख समझ में आ रहा है, और जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस भी टूट सकती है, इसकी वजह क्या हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी जो राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं बिहार में, उसमें सबको ही अपना अपना भविष्य तलाश रहा है, और ऐसे में कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि जहां से वो जीत के आते हैं उनका राजनीतिक समीकरण अपना वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे विधायक हैं जिनका जेडीयू के साथ समीकरण ठीक लग रहा है, और ऐसे में दोनों दलों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि अपना भविष्य वो बीजेपी में देख रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो अभी राजनीतिक गहमागहमी इस सर्दी के मौसम में चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी राजभवन पहुंचेंगे इस्तीफा देकर और फिर नई सरकार एनडीए के साथ बना सकते हैं, ऐसे में सभी विधायक जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी चंद्रमोहन आप बने रहिएगा हमारे साथ।